अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 3 ऑफ मैथमेटिक्स T1 बुक एक्सरसाइज 3, यूनिट 3 हम स्टार्ट किया, एक्सरसाइज 3 भी हम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन। आज हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्या बता रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास होते हैं वो किसी जो आपको नंबर दिया जाता है या जो अमाउंट या मेजरमेंट्स वैल्यूज दी जाती हैं उसकी एक्यूरेसी को बताते हैं, ठीक है, कि वो किस हद तक ठीक है किस हद तक ठीक नहीं है, ठीक है। अ नंबर इज मोर एक्यूरेट व्हेन इट इज गिवन टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। के एक नंबर हमारे पास मोर एक्यूरेट होता है, मोर ज्यादा अच्छा वो बेहतरीन होता है, उसकी मेजरमेंट्स होती हैं क्या अगर वो उसको ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उसके, ठीक है। तो थोड़े से इसके रूल्स हम फॉलो कर लेते हैं, रूल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल हमारे पास क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। आपने डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, उसके बाद आपने रूल्स को भी याद करना है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो कहता है कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो आर सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट मीन्स टू से आपका 1, 2, 1 से लेकर 9 तक के जितने भी आपके काउंटिंग के नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक की जो आपके काउंटिंग के नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो सबके सब क्या हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो डिजिट्स हैं ये क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास अमाउंट दी हुई है, मेजरमेंट दी हुई वैल्यू तीन है, 7, 2, 5, 8, तो आपने जब आपको कहा जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं तो आपने जस्ट क्या करना है, इनको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना कितनी ये वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डिजिट्स, ऐसी वैल्यूज़ जो सेंस रखती हों, जिनको हम काउंट कर सकें, मेजर कर सकें, काउंट कर सकें, जो सेंस रखती हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। उनको हम काउंट कर लेते हैं तो बता देते हैं कि वो क्या है हमारे पास, ये रीडेबल हैं वैल्यूज़, ठीक है, ये वैल्यूज़ की एक सेंस बन रही है, ठीक है। तो हम इनको बता सकते हैं कि नॉन जीरो भी हैं, तो ये हम क्या कह देते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने इसमें काउंट करेंगे इसको आप, 1, 2, 3, 4, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल क्या हुआ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकेंड रूल में क्या कह रहे हैं, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उसने कहा कि ये जो नॉन जीरो थे इनके दरमियान अगर कोई जीरो आ जाता है तो वो भी क्या जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है, ठीक है। अगर आपके पास जीरो डिजिट्स के दरमियान, बिटवीन दरमियान कोई जीरो डिजिट आ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी सिग्निफिकेंट होता है। देखें एग्जांपल आपको दी गई 32.047, ठीक है। अब जीरो क्या आ रहा है, दरमियान में आ रहा है इनके, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान, सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है जीरो, तो ये भी एक क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, 1, ठीक है, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए आपके पास, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रूल की तरफ, इन्ना डेसिमल, जैसे यही आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी कर लेते हैं या ऊपर भी कर लेते हैं प्रैक्टिस में जो आपके पास तीन है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 192, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4 पॉइंट के बाद वाले भी आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये भी आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4, ये कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये कितने हैं, 1, 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आ जाए यहाँ पे इस प्रैक्टिस में जिसमें हमने कहा कि जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो ये कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1, 2, 3, इसको काउंट करें, 1, 2, 3, 4, ये कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, ये कितना हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस पे आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितना हो गया, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रूल पे, इन अ डेसिमल में आर जीरो आफ्टर आर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। उसने कहा कि जितने भी जीरो हैं, डेसिमल प्लेस की बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, वो डेसिमल की प्लेस की बात कर रहा है कि जो एक डेसिमल के अंदर आर जीरो, जितने भी जीरो होंगे आफ्टर नॉन जीरो डिजिट के बाद, किसी नंबर के बाद जितने भी जीरो होंगे डेसिमल पार्ट में, वो सबके सब भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, वो सबके सब भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, वो एक रोल प्ले कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये 0.110, अब जीरो, ये वन आपका नॉन जीरो डिजिट है और जीरो क्या है आपका, जीरो डिजिट है, ठीक है, जीरो है, तो जीरो क्या आ रहा है, जीरो किसके बाद आ रहा है, वन के, यानी नॉन जीरो के बाद आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो उनसे हमारे पास जीरो हैं, ठीक है, 5 के बाद एग्जिस्ट रख रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कि जितने भी जीरो होंगे एक डिजिट के बाद, यहाँ कोई भी डिजिट हो, 1 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट हो पॉइंट के बाद, उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, वो सबके सब काउंट किए जाएंगे जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, ठीक है।
रूल नंबर 4 पे आ जाएं। इन अ डेसिमल ऑल जीरो बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो कहता है कि डेसिमल में वो जीरो जो डिजिट से पहले आ जाए नॉन जीरो डिजिट से वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते। बाद में है, अगर ज़ीरो बाद में है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गए, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन जो पहले आते हैं ये नंबर से पहले, ये से ये आ गए, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाला भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसने यही कहा कि डेसिमल पार्ट में, ये जो आपका डेसिमल पार्ट है इसमें अगर आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो आते हैं, ये जैसे ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, तो ये क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, यहाँ तो डेसिमल के बाद आपके पास नंबर आ रहा है नॉन जीरो, यहाँ भी नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन यहाँ पर आपके पास डेसिमल के बाद कितने आ रहे हैं, टू डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, 3B हमारे पास स्टार्ट है, हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, अ वैल्यू 39018। इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, काउंट करेंगे 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 5। तो इस वाले को ए पार्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, बी पार्ट में वो क्या कर रहा है, 0.028030। हमने कहा रूल में हमने क्या सीखा कि डेसिमल पार्ट में अगर आपके पास फौरन डेसिमल पार्ट के बाद ज़ीरो आ जाता है, या इस तरह बात कर ली जाए कि किसी नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो आ जाता है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। इट्स मीन कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेशन हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 5 आ गया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हुए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ गए। थर्ड पे चलते हैं, सी पार्ट में वो उसने क्या वैल्यू आपको दी है, ये आपको वैल्यू दी है 7। उसने एक और बात भी की, टू द नियरेस्ट 10। उसने कहा कि पहले इसको 10 प्लेस तक राउंड ऑफ करें, देन आपने इसके बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आपने राउंड ऑफ में और सिग्निफिकेंस में फ़र्क को याद रखना है। ठीक है, आपने राउंड ऑफ नहीं करना इसमें, जस्ट आपको अगर पूछा जा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आप काउंट करते हैं, रूल्स को याद करते हुए उसको बता देते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अगर आपको राउंड ऑफ कहा जाता है तो पहले आप राउंड ऑफ करेंगे, जैसे ये यहाँ क्या गया, टू द नियरेस्ट 10 प्लेस तक आप उसको राउंड ऑफ करेंगे, देन आपने फिर उसको बता देना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है, तो अब इस पे ये हमारे पास यूनिट्स या वंस, ये आपके पास क्या है, टेंस। तो सबसे पहले 10 प्लेस पे अगर आपने राउंड ऑफ करना है, यहाँ इस जगह पे राउंड ऑफ करना है, इस जगह को चेंज करना है, इसमें चेंजिंग लानी है, तो इससे नेक्स्ट डिजिट को देखें वो क्या है, 0। इट्स मीन कि इस 0 में क्या होगा, चेंजिंग नहीं होगी, तो ये क्या आ जाएगा, 290 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे आप, 290 आ गया 10 प्लेस पे जब आपने चेंजिंग की, तो अब इसमें आप चेक करेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 3, 1, 2, 3। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 3 सिग्निफिकेंट आपके पास फिगर्स आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 आपके पास क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन ब्रैकेट्स। उसने कहा कि 728, उसने आपको वो क्या कह रहा है, राउंड ऑफ करना है, जो आपको ये नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए गए हैं, 728 टू सिग्निफिकेंट। ठीक है, आपको क्या वैल्यू दी हुई है, 728, और साथ क्या दिया हुआ, 2 सिग्निफिकेंट आपके पास। ठीक है, अब आपने इसको सिग्निफिकेंट करना है, तो कैसे करना है, 2 सिग्निफिकेंट, यानी जो दूसरा आपके पास सिग्निफिकेंट होगा उसमें आपने चेंजिंग लेके आनी है। ठीक है, राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, यूनिट्स वंस टेंस उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, प्लेसेस को चेक करते हैं, इसमें हमने फिगर को चेक करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यानी 2 कौन सा बनता है, 1 ये हो गया, 2 क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि आपने इसके अंदर क्या करना है, चेंजिंग लेके आनी है। तो फर्स्ट वाला आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 है तो इसके नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8। तो 2 हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम कहते हैं कि इसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 8 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि राउंड ऑफ में भी तो हम यही करते हैं कि 5 से बड़ी वैल्यू हो, 5 या 5 से बड़ी अमाउंट या वैल्यू हो, तो हम पीछे वाले को एक नंबर ज़्यादा कर देते हैं, उसे अगला नेक्स्ट नंबर राइट करते हैं, या उसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं, जिस तरह भी आप कॉन्सेप्ट लेना चाहें। इसमें भी हमने वही काम करना है, लेकिन राउंड ऑफ में हम यूनिट टेंस प्लेसेस को काउंट करके करते हैं काम, जितना प्लेसेस का कहा गया उस प्लेस पे आपने शिफ्टिंग चेंज करनी है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने फिगर्स को देखना है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ से हमने काउंट करना है, सेकंड हमारे पास ये है, तो हमने इसमें चेंजिंग लेके आनी है। बी पार्ट की तरफ चलते हैं,
ठीक है, बी पार्ट में आपके पास ये वैल्यू दी हुई है 503.88। और क्या कहा गया है, फोर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी फोर सिग्निफिकेंट फिगर, तो वन ये हो गया, टू ये हो गया, थ्री ये हो गया, पॉइंट और ये आपका फोर हो गया। यानी कि आपने एट के अंदर क्या करना है, चेंजिंग लेके आनी है। तो एट में जब आपने चेंजिंग लेके आनी है तो एट से नेक्स्ट डिजिट क्या है, एट, मीन्स टू से ये अब एट क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, नाइन में। तो क्या आंसर आएगा, 503.9। तो ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर बन गया, फोर सिग्निफिकेंट फिगर आपका बन गया। ठीक है, फोर वाले सिग्निफिकेंट में आपने चेंजिंग की। ठीक है, इसी तरह हम इसमें देखते हैं 0.C पार्ट जो आपका दिया हुआ है 0.003 और 0185। इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर करना है, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने चेंज करना है। तो अब आपके पास, हमने जो रूल में पढ़ा, ठीक है, रूल में आपने ये बात की ना कि पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के बाद के जो जीरो होते हैं या नॉन जीरो से पहले, नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ से काउंट होंगे, यहाँ से, वन, ये टू, ये थ्री और ये आपका क्या हो गया, फोर। कितने प्लेसेस पे आपने करना है, फोर सिग्निफिकेंट फिगर पे आपने चेंजिंग करनी है, फोर वाले में चेंजिंग करनी है। तो ये आपका एट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे वैल्यू बनेगी, 0.00 ये हम ऐसे लिखेंगे, 301 यहाँ तक हमने ऐसे लिखी। अब एट को हमने चेंज करना है, तो एट हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइन में चेंज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट क्या है, फाइव है, तो फाइव की वजह से एट क्या बन जाएगा, नाइन। तो ये आपका सिग्निफिकेंट बन गया, कितना, फोर सिग्निफिकेंट फिगर आपका मिल गया आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, वन टू थ्री फोर, फोर प्लेस पे आपने चेंजिंग की, अगर नेक्स्ट डिजिट आपका फाइव था तो एट आपके पास क्या हो जाएगा, नाइन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं इसका। डी पार्ट में आपके पास क्या है, 6396। तो इसको उन्होंने कहा है टू सिग्निफिकेंट एंड थ्री सिग्निफिकेंट तक आपने इसमें चेंजिंग करनी है। टू सिग्निफिकेंट मीन्स टू से वन ये हो गया और ये आपका क्या हो गया, टू। तो टू तक पे अगर करते हैं तो ये सिक्स आ गया आपका, और ये आपके पास थ्री है, थ्री नाइन की वजह से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फोर बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फोर। देन नेक्स्ट आप जितने नंबर्स हैं उनकी जगह पे जीरो आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की, ये आपके पास कितना हो गया, टू सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। अगर थ्री की बात की जाए, यानी थ्री प्लेसेस पे आपने चेंज करना है, किसमें करना है, नाइन में करना है। तो ये नाइन में जब आप चेंजिंग लाओगे तो नाइन के नेक्स्ट डिजिट क्या है, सिक्स। तो नाइन सिक्स की वजह से किसमें चेंज हो जाएगा, टेन में, टेंस बन जाएगा। जीरो जीरो वन, आगे वन कैरी चला जाएगा, थ्री और वन क्या बन जाएगा, फोर। ये इस तरह हो जाएगा, सिक्स थ्री, नाइन की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो, और वन कहाँ जाएगा, थ्री के ऊपर कैरी होगा। ठीक है, ये आपको रफ में बना करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट भी आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो सिक्स और थ्री वन क्या हो गया, फोर, ये जीरो जीरो। ये इस तरह आपका फॉर्म बन गया। ये आपने बेटा करना नहीं है, ये समझाने के लिए आपको मैंने इस तरह राइट किया है। ठीक है, कि नाइन को जब हम सिक्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग लाएंगे तो नाइन क्या हो जाएगा, टेंथ बन जाएगा। तो जीरो हम राइट करेंगे नाइन की जगह पे, वन हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट वाले डिजिट में ऐड कर देंगे। वो कैरी बना के जब जाएगा तो उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर बन गया आपके पास। ठीक है, फोर पार्ट में करते, ये सॉरी ई पार्ट में चलते हैं। ये आपके पास क्या है, 9.9999। ये आपके पास आ रहा है, इसमें आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंजिंग करनी है। थ्री कितना है, वन ये है, टू ये है, थ्री ये है, आपने यहाँ पे आपने चेंजिंग लेके आनी है। ठीक है, तो ये आपके पास चेंजिंग कैसे आएगी, नाइन को जब अगला नेक्स्ट डिजिट देखेंगे वो क्या है, नाइन। तो ये वाला नाइन क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। टेन तो जीरो यहाँ रहेगा, वन यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। फिर जीरो यहाँ रहेगा, यहाँ वन कैरी चला जाएगा, तो ये भी कितना बन जाएगा, टेन बन जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 10.0। तो ये आपके पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद आप एक जीरो लगा दें तो बहुत है। यहाँ पे ये जीरो भी आ रहा है तो वो बेशक आप ना लगाएं, 10.0 अगर रहने दें तो ये भी आंसर आपका क्या है, ठीक है। ठीक, समझ आई। यहाँ पे हमने चेंजिंग की, नाइन क्या हुआ, नाइन नेक्स्ट नाइन की वजह से टेन बना, टेन तो जीरो लग गया, वन कैरी चला गया, ये भी नाइन क्या बन गया, टेन बन गया। तो जीरो रहा वहां पे, तो वन इस वाले पे आ गया, तो यहां पे नाइन और वन क्या बन गया, टेन। तो 10.0 आपका थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ठीक है, इस पार्ट की तरफ चलते हैं, एफ पार्ट की तरफ, 8.076। इसमें आपने क्या करना है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंजिंग करनी है। बेटा बुक्स अपने पास खोल के रखा करें, देन आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आती जाएगी। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, वन टू थ्री, ये आपके पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपने किस में चेंजिंग करनी है, सेवन में चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो सेवन आपके पास नेक्स्ट डिजिट क्या है, एट। तो सेवन सॉरी सिक्स, तो सेवन क्या हो जाएगा, एट में कन्वर्ट हो जाएगा, 8.0। तो ये क्या बन जाएगा, एट बन जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़, अगर हम यहाँ पे, मैंने जब ये क्वेश्चंस किए तो एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आई है हमारे पास, कि जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने ये डेसिमल पॉइंट को राउंड ऑफ किया, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया,
बाकी जब हम होल नंबर को राउंड ऑफ करते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो, तो जो जिस चीज़ को हम करते हैं सिग्निफिकेंट, जिस चीज़ को हम ले रहे होते हैं, जिसमें चेंजिंग करते हैं जिस नंबर में, जिस सिग्निफिकेंट फिगर में, बाकी नेक्स्ट वाले क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे हमने टू में चेंजिंग की तो एट की जगह पर क्या आ गया, जीरो। जब हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट इसमें चेंजिंग की तो सिक्स क्या बन गया, जीरो। यहाँ पर इसकी जगह पर चेंजिंग की तो नाइन सिक्स की जगह पर क्या आ गया, जीरो। जब हमने नाइन की जगह पर चेंजिंग की तो नेक्स्ट वाला सिक्स डिजिट क्या हो गया, जीरो। लेकिन जब हम डेसिमल पार्ट में कर रहे हैं, जैसे 503.9 करके इस तरह आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू 503.88, जब हम पॉइंट वाली वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज में सिग्निफिकेंस करते हैं तो आप जिस जगह पे चेंजिंग करते हो वहाँ वाली वैल्यू जो बनती है न्यू, वो आप राइट करते हो। तो नेक्स्ट आप जीरो लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें यहाँ इस पर मैं चेंजिंग की तो यहाँ एट की जगह पर मैंने जीरो नहीं राइट किया, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पर जब चेंजिंग की 8.076 है तो मैंने 7 में चेंजिंग की तो ये 8 बन गया, नेक्स्ट 6 की जगह पे मैंने 0 राइट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपने ज़रा ध्यान रखना है, जब आपके पास होल नंबर होंगे तो उसमें आपने जितने डिजिट्स नेक्स्ट होते हैं चेंजिंग के बाद वाले, वो सारे 0 आप उसकी जगह पे राइट करते हो, लेकिन जब आप डेसिमल वाले में वर्क करते हो इसमें या इसमें वर्क किया आपने तो इसमें आपने 0 नहीं राइट किया, ठीक है। कर लें तो इट्स ओके, लेकिन ज़रूरी है कि आप मतलब ठीक है कि आप ना करें, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की साइड पर चलते हैं। द नंबर 1432 इज करेक्ट टू एक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो नंबर है इसको ऑलरेडी सिग्निफिकेंट कर दिया है उन्होंने, ठीक है। राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज बताएं कि कितने कितना सिग्निफिकेंट फिगर किया आपने, 3 किया है, 4 किया है, 5, ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। जैसे हमने इनको सिग्निफिकेंट करके बताया ना, इसमें 5, इसमें 5, इसमें हमारे पास 3 आ रहे थे, तो ये ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि इसको हमने सिग्निफिकेंट कर दिया। आपने जस्ट बताना है कि x की वैल्यू क्या है, कि कितने टाइम सिग्निफिकेंट किया है, 4 सिग्निफिकेंट है, ये 5 है, 6 है, इस तरह आपने बताना है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि ये हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 4 सिग्निफिकेंट हैं तो x क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। पहली तो पॉसिबिलिटी ये आ गई कि x की हमने पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, तो पहली पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 4, कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये जो 1, 4, 3, 2, 0, 0 हैं, तो हम अगर इसको 5 अगर इसका करना चाहें, 1, 4, 3, 2 है हमारे पास यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 होता और 0 की जगह पे क्या होता, 5 होता, ऐसे ये इस तरह की अगर आपके पास वैल्यू होती, ठीक है। 2 आपके पास इसमें 1 आपके पास अगर है यहाँ पे तो वो 2 में चेंज हो सकते हैं ना, अगर हम इस प्लेस पे सिग्निफिकेंस करें, ठीक है। अगर हम इस प्लेस पे सिग्निफिकेंस करते हैं 1, 2, 3, 4 प्लेस पे किया तो ये आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए, ठीक है। तो 1, 5 की वजह से क्या हो गया, 2 बन गया। तो हम कह सकते हैं कि x की एक पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई, 4 हो गई। अब अगर हम x की वैल्यू कह सकते हैं, कहें कि पॉसिबल वैल्यू 5 भी हो सकती है, कैसे, 1, 4, 3, 2, 0, 0 है तो हम इस प्लेस पे अगर चेंजिंग करना चाहें 1, 4, 3, तो ये आपके पास 2 आ जाए तो ये आपके पास क्या आ जाए, 9 आ जाए अगर यहाँ पे, या फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ जाए 5 आ जाए यहाँ पे, ठीक है, 5, और यहाँ पे आगे भी नेक्स्ट 5 आ जाए तो ये आपके पास इस तरह अगर कोई डिजिट बन रहा है, तो ये जब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट अगर 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम करते हैं तो नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5, तो ये 5 तो 6 बन जाता है, जबकि हमारे पास तो यहाँ 0 है। इट्स मीन कि यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम 5 प्लेस पे भी सिग्निफिकेंस करें तो हमारे पास यहाँ दोनों वैल्यूज़ अगर 0 हों तो ये हमारे पास 5 प्लेस तक भी सिग्निफिकेंस हो सकता है। इसी तरह अगर हम ये 6 प्लेस पे सिग्निफिकेंस करना चाहें तो हमारे पास अगर ऐसी वैल्यू हो, यही वैल्यू अगेन हो, हम कहें 6 प्लेस तक सिग्निफिकेंस करना है यहाँ तक, तब भी यही वैल्यू बनेगी। 5 तक करेंगे सिग्निफिकेंस तब भी यही वैल्यू बनेगी, क्योंकि 0 में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अगर कोई अमाउंट होती तो उसमें चेंजिंग आ सकती थी, लेकिन 0 में चेंजिंग नहीं आ सकती। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 4, 5 और 6, कि हम 4 प्लेसेस तक भी सिग्निफिकेंस कर सकते हैं, यहां पे हमने चेक किया अभी, हम 5 प्लेसेस तक भी सिग्निफिकेंट कर सकते हैं, हम 6 प्लेसेस तक भी सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। और एक आसान तरीका ऐसे, जैसे ये आपके पास 14 वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं आगे 0 डाल दूं, 1, 2, 3, 4, अगर ऐसे कोई आपके पास अमाउंट लिखी हो तो आपके पास यहाँ पे आपने चेक करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने हैं, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप कहोगे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, फिर ये आपके पास नेक्स्ट अगर जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे आपने बताने कि इतनी पॉसिबिलिटी वैल्यूज हो सकती हैं, इतने पॉसिबल सिग्निफिकेंट फिगर्स बन सकते हैं, 3, 4,
फाइव एंड ये सिक्स. तो ये आपके पास टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्स, हमारे पास इतने एक्स की पॉसिबल फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं. एक्स टू भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट टू भी हो सकता है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है, फोर सिग्निफिकेंट भी फिगर हो सकता है, फाइव भी, सिक्स भी. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी आपने चेक की कि यहाँ तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कर लेने कितने डिजिट्स हैं, वन टू थ्री फोर, तो हम कह देंगे फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट जितने जीरो होते हैं आपके पास या वाइट की होते हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आप उसको काउंट करके बता सकते हैं. यहाँ तक हमने काउंट किया तो फाइव हम बता देंगे एक्स की पॉसिबल वैल्यू फाइव भी हो सकती है. नेक्स्ट काउंट किया तो सिक्स, तो हमने बता दिया कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू सिक्स भी हो सकती है. तो एक्स पॉसिबल है कि वो फोर भी हो सकता है, वो फाइव भी हो सकता है, वो सिक्स भी हो सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपका कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर फोर की साइड पर चलते हैं. Evaluate each of the following and correct your answer through the number of significant figures as given in brackets. ठीक है, ये आपके पास ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1/99 दिया हुआ है आपके पास. तो इसको आपने फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको क्या करना है, करेक्ट करना है. तो वन को जब हमने 99 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0.1 0101 0101, इस टाइप के आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है. आपने क्या करना है, फोर सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. तो आपने इस जीरो को तो काउंट नहीं करना है, वन टू थ्री एंड फोर, ये आपके पास क्या हो गया, फोर सिग्निफिकेंट फिगर आपका. तो जीरो के बाद क्या है, वन, तो क्या जीरो में चेंजिंग होगी, नो. तो ये क्या आंसर आपके पास आएगा, 0.01010. तो ये आपके पास फोर सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आ गया. फोर सिग्निफिकेंट तक आपने इसको किया आंसर को, 1/99 आपने जब लिया आंसर ये कैलकुलेट किया है मैंने, देखें तो 0.01010 एंड सो ऑन चलता जा रहा है आंसर आपके पास. काफ़ी लंबा आंसर है लेकिन हमने ये फाइव तक ले ली वैल्यूज, इसके फाइव प्लेस लिए, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो फोर पे हमने चेंजिंग करनी थी, यहाँ से काउंट किया, ये वन है आपका, ये टू है आपका, ये आपका थ्री है. फोर में चेंजिंग करनी थी लेकिन नेक्स्ट डिजिट आपका वन है तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी, एस डीज राइट कर देंगे. तो आपने यहां से इसको पूरे को राइट कर दिया, नेक्स्ट वाले को आपने नहीं राइट करना. ठीक है, तो ये फोर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया. बी पार्ट की तरफ हम चलते हैं. ये आपके पास 871 मल्टीप्लाई बाय 234 आपके पास है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर आया. 71 को 234 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर आया, मेजरमेंट्स आई. इसको आप कितना सिग्निफिकेंट करना है, टू सिग्निफिकेंट. तो ये वन हो गया, ये आपके पास कितना आ गया, टू आ गया. ठीक है, आपने जीरो में चेंजिंग करनी है लेकिन नेक्स्ट डिजिट देखें क्या है, थ्री है. नेक्स्ट डिजिट देखें थ्री है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई किया मेरे पास ये आंसर आया. सेकेंड सिग्निफिकेंट पर मैंने चेंजिंग करनी थी, वन, ये हो गया. सेकेंड प्लेस आपके पास ये होगी, में आपने जब चेंजिंग करनी है तो नेक्स्ट डिजिट आपके पास थ्री है तो इसमें आपके पास चेंजिंग नहीं होगी. तो ये क्या आंसर आ जाएगा, टू, जीरो, ऐसे ही लिख देंगे. बाकी तमाम के तमाम नंबर्स भी क्या हो जाएंगे, जीरो, थ्री की जगह पे भी जीरो, एट की जगह पे भी आप जीरो राइट करोगे, वन की जगह पे भी एंड फोर की जगह पे भी. तो ये आपके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, ये टू सिग्निफिकेंट आपके पास फिगर आ गया. ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब हम डेसिमल को डेसिमल के अकॉर्डिंग या उसके सेंस में बात करते हैं तो जो आपके पास जिस प्लेस पे आप चेंजिंग कर रहे हो, सिग्निफिकेंट बना रहे हो, जिस फिगर को आप चेंज कर रहे हो, जिस पे आप वर्क कर रहे हो, उसे नेक्स्ट वाला आपने राइट नहीं करना है, या उसको जीरो बना के बेशक ना लिखें आप. ठीक है, लेकिन जब आप होल पे वर्क कर रहे हो, होल वैल्यूज़ पे, होल अमाउंट पे आप वर्क कर रहे हो, आपके वैसे जो अमाउंट है नॉन जीरो डिजिट्स की जो अमाउंट है डेसिमल पार्ट के अलावा, जब आप उस पे वर्क करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर पे जब आप चेंजिंग लेके आते हो तो बाकी नेक्स्ट जितने भी डिजिट्स होते हैं, वो चाहे चार हों, पाँच हों, जितने भी हों, वो सब के सब क्या बन जाते हैं, वो जीरो में चेंज हो जाते हैं. तो ये आपके पास टू सिग्निफिकेंट का आंसर आ गया. पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं. तो इसमें आपके पास 21 का स्केयर डिवाइडेड बाय 0.219 आपके पास दिया हुआ है. 21 स्केयर मींस टू से कि 21 को आपने टू टाइम मल्टीप्लाई करना है. 21 मल्टीप्लाई बाय 21 ये मैंने मल्टीप्लाई किया. ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे किया, 0.219 से. तो ये आपके पास आंसर आया. ठीक है, इसमें अब वो क्या कह रहा है, फाइव सिग्निफिकेंट तक आपने इसको करना है चेंज. तो देखें, वन, टू, ये थ्री हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, ये फोर और सिक्स क्या हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर, फाइव हो गया. ठीक है, इसके अंदर चेंजिंग लेके यानी इस प्लेस पे आपने चेंजिंग करनी है. सिक्स के बाद के वैल्यू क्या है, नाइन, यानी फाइव और फाइव से बड़ी है ये, तो सिक्स क्या हो जाएगा, सेवन. तो ये क्या आंसर आएगा, 0.2013.7. तो ये आपके पास फाइव सिग्निफिकेंट फिगर आपका बन गया. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया. डी पार्ट आपके लिए है, आप इसका होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अगर ना हुआ तो आप ये हमें बता सकते हैं, हम आपको दोबारा से करवा देंगे. नोट्स में ये वैसे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. नोट्स आपको दिए जाएंगे बच्चे, उसमें आपने अच्छे से मजीद उनकी तैयारी करनी है, अपना होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करवाना है. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह फिर करवाए जाएंगे.